हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का जो केस हमें आता है वो पाकिस्तान से है एंड इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मैंने पाकिस्तान के किसी केस के बारे में बात करी हो, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स जंप राइट इनटू इट। ऑन 20th फरवरी 2007 पाकिस्तान की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मिस जिले हुमा उस्मान ने एक गैदरिंग अटेंड करी जिसमें वो अपने पार्टी मेंबर्स को नए पॉलिसीज के बारे में समझा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एक आदमी उनके सामने खड़ा हुआ और इसके बाद पलक झपकते ही हुमा उस्मान की सांसें बंद हो गई थी। पर आखिरकार खुलेआम एक पॉलिटिशियन के ऊपर ऐसा हमला करने की इस आदमी में हिम्मत आई कैसे? और तो और द मेन क्वेश्चन हियर वाज कि इस आदमी ने ऐसा करा क्यों? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड मौलविया गुलाम सरवार। ...1967 को पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में गुलाम सरवार उर्फ हाफिज मोहम्मद सरवार का जन्म हुआ था। उस समय गुजरांवाला एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव सिटी हुआ करती थी। वहां के लोग अपने रिलीजन और कल्चर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली ये रूल्स और जो ये रेगुलेशंस थे ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और कहीं ना कहीं लड़कियों पर ये रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्ती से इम्पोज करे भी जाते थे, जैसे कि अपना फेस कवर करो, पराए मर्द से बात मत करो, एक अच्छी हाउसवाइफ बनो। बेसिकली बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है ये चीज, लेकिन वुमेन बिलोंग इन द किचन, ये वाली मेंटालिटी थी यहाँ के लोगों की। और गुलाम की फैमिली भी कुछ अलग नहीं थी, वो लोग भी बहुत ही रिलीजियस और कंजर्वेटिव ख्यालात के थे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, गुलाम की जो अम्मी थी उन्होंने फॉर द मेजोरिटी ऑफ हर लाइफ पर्दा मेंटेन कर रखा था, विच मेंट कि वो किसी भी पराए मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। इसी कारण से भले ही वो अपनी फैमिली के साथ कई सालों से गुजरांवाला में रह रही थी, लेकिन आज तक किसी भी बाहर वाले ने उनका चेहरा नहीं देखा था। सच वॉज लाइफ फॉर वुमेन एट दैट टाइम इन गुजरांवाला। ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि गुलाम की अम्मी की लाइफ इतनी टफ रही होगी, वो कितना ऑप्रेस रही होंगी, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं था। इंस्टेड गुलाम की अम्मी के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और उनका मानना था कि बाकी औरतों को भी ऐसा ही करना चाहिए। गुलाम की अम्मी के अलावा उसके घर में उसके अब्बू और उसका छोटा भाई अफजल भी था, लेकिन गुलाम अपने घर में अपनी अम्मी से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसने बचपन से ही अपनी अम्मी को उस सोसाइटी की एक आइडियल मुस्लिम वुमेन बनते हुए देखा था और इस चीज़ ने गुलाम की वुमेन को लेकर जो पर्सपेक्टिव थे उसे बहुत हद तक शेप करा था। जब गुलाम थोड़ा बड़ा हुआ तो वो PB मॉडल स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाने लगा था, लेकिन स्कूल के नॉर्मल साइंस मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में उसका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बट घर में उसकी अम्मी उसे इस्लाम के बारे में, उसके तौर तरीकों के बारे में अक्सर बताया करती थी और ये चीज़ सुनना गुलाम को बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। जब गुलाम अपने स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो बाहर निकलते ही उसने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं फ्यूचर में इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों को ही और ज़्यादा परस्यू करूँगा। और इसीलिए स्कूल से निकलने के बाद उसने मदरसा को अटेंड करा जहाँ पे इस्लामिक लॉज और इस्लामिक रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था। नाउ यू वुड थिंक कि गुलाम बचपन से ही रिलीजियस था, यू नो, वो रिलीजन में इतना ज़्यादा मानता था, खुदा में इतना ज़्यादा मानता था, जिसकी वजह से जब वो भगवान में इतना ज़्यादा, लाइक खुदा में इतना ज़्यादा मानता था तो ही मस्ट बी अ गुड मैन, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसके केस में। इवन दो वो बचपन से ही अपने रिलीजन के लिए बहुत डिवोटेड था और उसके बारे में अब पढ़ाई भी कर रहा था, उसके बावजूद बचपन से ही उसकी जो मेंटल कंडीशनिंग हुई थी और औरतों को लेकर, समाज को लेकर उसके जो ओपिनियंस फॉर्म हुए थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। उसकी फैमिली और उसके सराउंडिंग्स का उसके आइडियोलॉजीज के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ था और एक ऐसे समाज में बड़े होते होते जिसमें रिलीजियस और सोसाइटल नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट थे, गुलाम के अंदर कहीं ना कहीं कट्टरवाद वाली भावनाएं डेवलप होना शुरू हो गई थी। सोसाइटी और रिलीजन को लेकर उसके ओपिनियन बहुत ही एक्सट्रीम थे और वुमेन को लेकर तो उसकी सोच और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी।
उसे अगर कोई ऐसी औरत दिख जाती जिसने हिजाब ना पहना हो या फिर वो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग में ना हो, तो उसके लिए वो एक घटिया और इमोरल औरत की कैटेगरी में आ जाती थी और उसकी ये थिंकिंग उसे एक बहुत ही गलत रास्ते में धकेलने वाली थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गुलाम गुजरावाला के एक लोकल मॉस्क में मौलविया बन गया था और हर थर्सडे को प्रेयर्स रिसाइट करने के बाद वो लोगों को प्रवचन भी दिया करता था। और इन जो प्रवचन उसके जो होते थे इन लेक्चर्स में, उसकी जो आइडियोलॉजीज थी वो साफ साफ झलकती थी। और कहीं ना कहीं एक हद तक गुजरावाला में जितने भी लोग रहते थे उनकी आइडियोलॉजीज और उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो भी इससे सिमिलर थे। भले ही वो लोग गुलाम जितने एक्सट्रीमिस्ट और कट्टरवादी ना हों, लेकिन वहाँ आए सारे लोग या फिर वहाँ पर जितने लोग भी रहते थे वो सभी गुलाम की सारी बातों से एग्री करते थे और वैसा ही एक लिमिट तक सोचते भी थे। इसी कारण गुलाम वहाँ के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया था। मौलवीय बनने के बाद गुलाम ने शादी भी कर ली थी और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं ऐसा लग सकता होगा कि शादी होने के बाद मे भी गुलाम की औरतों को लेकर सोच जो थी वो शायद बदल गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुलाम एक बहुत ही मोटी बुद्धि का आदमी था और इसीलिए उसके बिलीव्स को चेंज करना तो दूर की बात थी, उसकी आइडियोलॉजीज पर सवाल तक उठाना एक इम्पॉसिबल सा एंड क्वाइट फ्रैंकली डेंजरस टास्क था। और ये चीज़ आखिर डेंजरस क्यों थी? वेल, गुलाम सरवर का जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उठना बैठना था। ऐसा क्यों था इसका एग्जैक्ट रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन इट इज स्पेकुलेटेड कि गुलाम की आइडियोलॉजीज और इन आतंकवादी ग्रुप्स की आइडियोलॉजीज काफी सिमिलर थी। मे बी इस कारण से गुलाम उन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग और असेंबलीज में दिखाई दिया करता था, इवन दो वो उन ग्रुप्स का कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं था, लेकिन द फैक्ट दैट ही यूज्ड टू बी अराउंड देम मेड हिम अ वेरी डेंजरस मैन। और इतना ही नहीं, गुलाम अपने पास बंदूक भी रखा करता था और उनका इस्तेमाल करना या फिर उन्हें चलाना गुलाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑन वन हैंड गुलाम इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैंग आउट कर रहा था, पर दूसरी ही तरफ वो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था अपनी। उसके टोटल में नौ बच्चे थे और सारे बच्चों के नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन उनमें से दो के नाम थे एडम और नोवा या फिर आदम और नोवा, जो कि इस्लाम में दो बहुत ही ज्यादा माने जाने प्रॉफिट्स के नाम थे। दिस जस्ट शोज कि वो रिलीजन में कितना विश्वास करता था, कितना मानता था अपनी लाइफ में रिलीजन को, और एक हद तक वो कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके उनकी जो नॉट रिलीजियस टीचिंग को लेके बट उसके दिमाग में जो भी ये टीचिंग्स थी उनको लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस था। भले ही उसके दिमाग में इस्लाम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, लेकिन अपने कट्टर आइडियोलॉजीज को लेके और अपने कट्टर बिहेवियर को लेके वो इन टीचिंग्स के जो मेन पॉइंट्स थे, जैसे कि हो गया कंपैशन, हो गया टॉलरेंस, हो गया लोगों को प्यार देना, हो गया उन सारी चीज़ों के बारे में वो भूल चुका था। उसे अगर कभी भी कोई ऐसी विमेन दिखती जो कि प्रॉपर अटायर में ना हो, प्रॉपर गेटअप में ना हो, प्रॉपर कपड़ों में ना हो, जैसे किसी अगर औरत ने प्रॉपर हिजाब या फिर प्रॉपर तरीके से ना पहना हो अगर किसी औरत ने, तो वो उन्हें गालियां देकर भगा देता था। और अब तो सिर्फ औरतों से नहीं बल्कि उसे ट्रांसजेंडर लोगों से भी प्रॉब्लम होने लगी थी, विच आई काइंडा सॉ इट कमिंग, क्योंकि जो आदमी औरतों से ही इतने गंदे तरीके से व्यवहार करता है वो बाकी के स्पेक्ट्रम को क्या ही समझेगा। तुम लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी घर में बच्चा होता है या फिर घर में नई नई शादी होती है लड़की के घर में स्पेशली, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग आते हैं या फिर जो किन्नर लोग होते हैं वो आते हैं बच्चे या फिर बीवी को ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी। और एक बारी गुलाम के घर के पास में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही गुलाम ने इन ट्रांसजेंडर लोगों को, इन किन्नर लोगों को अपने घर के पास जाते हुए देखा, अपने घर के पास में भी देखा, तो उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने घर से अपनी गन उठाई और हवा में फायरिंग करी और इन लोगों को डरा के वहां से भगा दिया। नाउ दिस वाज वेरी पथेटिक टू बी ऑनेस्ट, पर ये चीज उसने सिर्फ एक बार नहीं करी, उसने दो सेपरेट ओकेजन में सेम चीज करी थी। नाउ गन फायर करने के लिए उसे थोड़ा बहुत लीगल प्रॉब्लम से भी जाना पड़ा था, एंड अगेन दो बार हुआ था ये सेम चीज, लेकिन क्योंकि इट वाजंट दैट सीरियस और किसी की जान भी नहीं गई थी तो गुलाम को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। बट गुलाम का जो ये अग्रेसिव नेचर था, ये किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से दूसरे लोगों के लिए सेफ नहीं था, बिकॉज दिस मौलवी ही वॉज अ फनेटिक, ही वॉज डीपली सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग दैट ही बिलीव्ड मेक्स अ परफेक्ट मुस्लिम, और इसी वजह से वो एक तरीके का एक्सट्रीम मिसोजिनिस्ट भी था। सो टिपिकल वे में वो
औरतों को अपने पैर के नीचे रखना चाहता था, उनकी चलने नहीं देना चाहता था, जो वो बोलता था वो ही औरतों को करना चाहिए था, ऐसा उसका बिलीव था। लेकिन यही बिलीव किसी और की जान के लिए बहुत जल्द खतरनाक होने वाला था। साल 2003 में मौलविया गुलाम सरवार को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने सितंबर 2002 से लेकर जनवरी 2003 तक 3 अलेजेड कॉल गर्ल्स का मर्डर करा था। 2 ऑफ देम वर फ्रॉम गुजरावाला, लेकिन एक लड़की लाहौर की भी थी। बट दिस वाज़न्ट इट, उसने और भी औरतों को जान से मारने की कोशिश की थी, एंड इन टोटल उस पर 6 केसेस ऑफ मर्डर एंड अटेम्प्टेड मर्डर चल रहे थे। बट जितनों को भी गुलाम ने मारा था, उन पर उसने फॉर सम रीजन उनके प्राइवेट पार्ट्स के ठीक ऊपर चाकू से या बंदूक से वार भी करा था। इसीलिए जो लड़कियां जिंदा भी बची थी वो या तो पैरालाइज थी या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड थी। सिर्फ अपने बिलीव्स के कारण उसने इन औरतों को इतने बुरी तरीके से जानवरों की तरह मारा था। उसका मानना था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि एक सोशल सर्विस करी है उसने। He said कि एक बुरी औरत अपने साथ 100 लोगों को नरक लेकर चले जाती है। और उसने ये भी कहा कि एक मुस्लिम औरत का प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना इस्लामिक लॉस के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा सिर्फ मौत होती है। लेकिन शायद गुलाम सरवर अपनी नफरत की आग में भूल गया था कि जो उसने किया है वो भी इस्लामिक लॉ में एक बहुत बड़ा पाप है। गुलाम खुद को एक मसीहा समझता था जो समाज के इवल्स को मिटाने में जोर तोड़ कोशिश कर रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली गुजरावाला लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना था। गुलाम के अरेस्ट होने के बाद भी लोग उसके एक्शंस को सपोर्ट करते थे, और तो और उसे प्रेज भी करते थे, एंड पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से गुलाम की तरफ ही था, विच अफेक्टेड हिज ट्रायल इन कोर्ट। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब विक्टिम की फैमिलीज ने बहुत ही मिस्टीरियसली अपने अपने केसेस विड्रॉ करा लिए थे, और विटनेसेस ने भी अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर दी थी, जिसके कारण सिर्फ एक साल में ही गुलाम सरवर को अपने सारे गुनाहों से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। गुलाम का इतने हेनस क्राइम करने के बाद भी क्लीन चिट, एकदम साफ तरीके से बाहर आ जाना और बेल मिल जाना, इस वजह से उसके आसपास ये रूमर स्प्रेड होने लग गए कि गुलाम का आतंकवादियों से संपर्क है, और शायद ये हो सकता है कि इन आतंकवादियों ने ही उन विक्टिम्स की फैमिलीज को डराया होगा, धमकाया होगा, ताकि वो लोग अपना केस वापस ले लें। गुलाम ने जेल से बाहर निकलने के बाद एक हार्डवेयर की दुकान खोली, एंड इट इज़ अगेन बिलीव्ड कि इन आतंकवादियों की मदद से ही उसने दुकान खोली थी, एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो दुकान थी, ये जो हार्डवेयर की दुकान थी, इट वॉज जस्ट फसाद, ठीक है, जो अंदर हो रहा था वहाँ पे एक्चुअली ये सिर्फ इन टेररिस्ट लोगों के लिए ये इट वॉज अ बेस। लेकिन बेस होने के बावजूद भी बाहर से देखने पर ऐसा लगता कि गुलाम अपनी एक ऑनेस्ट और क्लीन लाइफ जी रहा है। पुलिस ने भी इन रूमर्स को सीरियसली लिया था, और गुलाम और उन ग्रुप्स के बीच में कोई लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये चीज प्रूव कर सके दैट वॉज द केस। लेकिन आफ्टर द डस्ट सेटल्ड, गुलाम के छोटे भाई अफसल ने बताया कि उन लोगों ने अपनी कुछ जमीन को बेचकर उन विक्टिम्स की फैमिली को ये सब कुछ एज कंपनसेशन पे करा था, सो दैट दे विड्रॉ देयर केसेस, एंड दिस कुड बी ट्रू, क्योंकि वो फैमिलीज बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते थे, सो मनी वॉज अ नेसेसिटी फॉर देम। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये फैमिलीज चिंता में थी कि कोर्ट में कहीं केस चलने के कारण जो मरी हुई औरतें थी उनका इमोरल कैरेक्टर एक्सपोज ना हो जाए, जिसके कारण उन्हें सोसाइटी से और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती थी। लेकिन जो भी रीजन रहा होगा केसेस ड्रॉप करने का, फैक्ट यही था कि एक मुजरिम को बिना सजा के खुले छोड़ दिया गया था, एंड लॉ अपनी ड्यूटी में फेल हो चुका था। बट इस पूरी चीज से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज बाहर आई, जिससे गुलाम की मेंटेलिटी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। दरअसल जब गुलाम पुलिस कस्टडी में था तो गुजरावाला के एक लोकल साइकियाट्रिस्ट उससे मिलने गए थे, ये जानने के लिए कि आखिर उसने खून करा तो करा क्यों। और उनसे बात करने के बाद, गुलाम से बात करने के बाद, इस साइकियाट्रिस्ट ने कन्फर्म कर दिया था कि गुलाम एक सनकी आदमी है, और उसका ऐसे बाहर रहना या फिर बाहर घूमना किसी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसीलिए
इसीलिए उन्होंने पुलिस को ये चीज़ रिकमेंड करी थी कि गुलाम को जेल में नहीं बल्कि एक साइकेट्रिक वार्ड में होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा करा नहीं, दे डिड नॉट ट्रांसफ़र हिम। इस पूरे केस के दौरान गुलाम को जो पब्लिक सपोर्ट मिला था पहले, क्योंकि वो मौलवी था उसकी वजह से भी, एंड देन ही यूज़ टू डू दिस पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो राइट, उसकी वजह से भी, तो उसे जो पब्लिक सपोर्ट मिला था उसे देखकर गुलाम का कॉन्फिडेंस एकदम ही आसमान छू रहा था। पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने की वजह से वह अपने आप को अपने धर्म का एक रक्षक टाइप का समझने लगा था, और अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं लॉ से ऊपर, कोर्ट से ऊपर मानने लगा था। और इन सब चीज़ों की वजह से ही उसका फोकस अब सिर्फ समाज पे ही नहीं, बल्कि समाज से उसका फोकस शिफ्ट हो गया था पॉलिटिक्स पे। गुलाम के जो पॉलिटिकल ओपिनियंस थे वो भी उसके कट्टर और मिसोजिनिस्टिक मेंटालिटी के कारण बहुत ज़्यादा बायस थे, एंड दे वेरी मच रिजेंबल्ड द आइडियोलॉजीज ऑफ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस। गुलाम का मानना था कि औरतें पॉलिटिक्स में बिलोंग नहीं करती हैं और उन्हें सिर्फ घर में बच्चे संभालने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त एक ऐसी पॉलिटिशियन थी जो ना कि सिर्फ फीमेल थी, बल्कि वो हर उस चीज के अगेंस्ट स्टैंड करती थी जिसे गुलाम और उसके जैसे लोग आइडल समझा करते थे, एंड हर नेम वॉज जिले हुमा उस्मान। 2002 में ही वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के असेंबली इलेक्शन में खड़ी हुई थी, और उनके प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज के कारण उन्हें ढेर सारे वोट्स मिले थे। 2006 तक उन्हें डेवलपमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी काम किया था, लेकिन उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के कारण उन्हें 2006 में ही सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था, और वो उस वक्त की वन ऑफ द वेरी फ्यू लेडीज बन चुकी थी जो एक गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करती हूँ। एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी, और वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ उनके बहुत से कंट्रीब्यूशन थे। अनलाइक सम टिपिकल पॉलिटिशियन, मिस जिले हुमा बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी थी और साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स तक कर रखा था। ओ एंड बाय द वे, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं कैसे उन्हें मिसेस कहकर एड्रेस कर रहा हूँ। वेल दैट्स बिकॉज वो एक शादीशुदा औरत थी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो ना ही सिर्फ गुलाम सरवर जैसे लोगों की आइडियोलॉजीज के पोलर ऑपोजिट थी, बल्कि उनके घटिया सोच पर एक टाइट स्लैब भी थी। वो एक एक्सेप्शनल पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक अच्छी वाइफ और मदर भी थी। वो एक जीता जाता प्रूफ थी कि एक औरत सिर्फ किसी आदमी या किसी समाज की बनी हुई लाइन तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकती हैं वो। लेकिन उनकी अच्छाई और डेवलपमेंट के ओर करा गया काम गुलाम जैसे बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था, एंड फॉर दिस रीजन इवन दो शी वॉज वेरी बिलवड एंड रिस्पेक्टेड, उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे, विच मेंट कि अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता था। इन 2005 पाकिस्तान के प्रोविंस में पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मैराथन ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसमें जिले हुमाजी इन्वॉल्व थी। लेकिन जिस दिन ये मैराथन होने वाला था, जिस स्टेडियम में ये मैराथन होने वाला था, उस दिन वहाँ कुछ एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप वाले वहाँ आ गए और उन्होंने वहाँ पे फायर ओपन कर दी। उन लोगों ने वहाँ आके तोड़फोड़ करी और तो और उन्होंने वेन्यू में आग भी लगा दी थी। नाउ दिस वॉज अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, लेकिन लकीली जी वहां से बिना किसी इंजरी के बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई थी। नाउ इवन दो दैट वाज अ गुड न्यूज, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये उनका आखिरी जानलेवा एनकाउंटर होने वाला था। गुलाम सरवर बहुत टाइम से हुम्मा जी पर कड़ी नजर रख रहा था और उसके मन में उनके लिए नफरत के सिवाय और कुछ भी नहीं था, क्योंकि हुम्मा जी गुलाम की आइडियोलॉजिकल वुमेन से बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। एंड सिंस गुलाम वॉज अ लिटिल बिट क्रैक इन हिज हेड, तो ही न्यू दिस थिंग कि एक दिन ही हैड टू मेक श्योर कि उसकी मुलाकात हुम्मा जी से हो, और जिस दिन उसकी मुलाकात हुम्मा जी से होगी वो उन्हें उस ही दिन मार देगा। जस्ट बिकॉज उन दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं होते थे, जस्ट बिकॉज दे बोथ थॉट डिफरेंटली, गुलाम इस आदमी को मारने पर उतर आया था। दिस जस्ट गोस टू शो कि उसकी मेंटालिटी कितनी सिक एंड ट्विस्टेड थी। बट इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और गुलाम की मुलाकात उस्मा जी से होने ही वाली थी। ऑन फरवरी 2007 गुलाम के इनिशियल मर्डर्स के नियरली 3 साल बाद उसे न्यूज मिली कि गुजरावाला में जिले हुमा उस्मान अपनी पार्टी के मेंबर्स से मिलने आ रही हैं, और उनकी नई पॉलिसीज के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए वो मुस्लिम लीग हाउस में आने वाली थी।
वी ऑलरेडी नो कि गुलाम जिले हुमा जी से कितनी ज्यादा नफरत करता था, इसलिए खबर सुनते ही गुलाम ये सोचने में लग गया कि वो उन्हें कैसे मारेगा। उसने प्लान बनाया कि वो मुस्लिम लीग हाउस में एक फेक पार्टी मेंबर बनकर उस मीटिंग को अटेंड करेगा और उसके बाद वो अपने काम को अंजाम देगा। फाइनली ऑन 20th फेब जिले हुमा जी मीटिंग के लिए गुजरावाला पहुंच चुकी थी, लेकिन गुलाम और उसके इंटेंशन से वो बिल्कुल अनजान थी। जब मीटिंग शुरू हुई, इससे पहले कि जिले उमा कुछ बोल पाती, गुलाम उनके सामने खड़ा हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारा हिजाब कहाँ है और तुमने अपना चेहरा क्यों नहीं कवर करा है। वो गुलाम के सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि अचानक गुलाम ने अपने पॉकेट से गन निकाली और जिले उमा उस्मान के सर पर गोली मार दी। ये होते ही सारे लोगों के बीच केओस का माहौल बन गया था और लोग ये नजारा देखकर शॉक थे और सारे लोग वहां बहुत डर चुके थे। गुलाम वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वहां पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई, गुलाम को भागने से पहले पकड़ लिया और सीधा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मीनवाइल जिले उमा जी को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सर पर गोली लगने के कारण उनकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई थी। और इसी तरह गुलाम के नफरत ने एक और जिंदगी खत्म कर दी थी। उस दिन जब पुलिस ने उसे इंटरोगेट करा तो उसने ये बताया कि एक लेडी को वो कभी भी पब्लिक ऑफिस हैंडल करते हुए नहीं देख सकता था, एंड ही बिलीव्ड कि जिले हुस्मा एक मुस्लिम होते हुए भी अन इस्लामिक लाइफ जी रही थी और वो बाकी औरतों को भी अपनी आइडियोलॉजीज की वजह से अन इस्लामिक बना रही थी, इसीलिए शी वॉज अ डेंजर टू इस्लामिक मूवमेंट टू मुस्लिम मूवमेंट, एंड उन्हें मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। जब उसे पूछा गया कि दिस वॉज अ पब्लिक स्टंट, तुमने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ खरीदी जिसकी तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी, तो क्या तुम अपने बीवी बच्चों के बारे में डर नहीं लगता है, तो उसने बेसिकली ये कहा कि आई बिलीव इन अल्लाह एंड वो मेरी फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे। पुलिस कस्टडी में गुलाम बहुत ही एंटाइटल्ड और फेयरलेस एक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि गुजरावाला में उसके सपोर्टर्स की कमी नहीं है। लेकिन उसने जो किया था वो कोई लोकल क्राइम नहीं था, बल्कि एक नेशनल लेवल का क्राइम था, इसलिए इस बार उसे प्रेस करने वाले और सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं थे वहाँ। बट फिर भी इसके लिए कुछ दिनों बाद तक पूरे पाकिस्तान में केओस का माहौल था। जगह जगह से शोषण जैसे क्राइम्स की रिपोर्टिंग आ रही थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी बहुत सी जगहों में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि उन स्कूल में पढ़कर लड़कियां ईवल बनती जा रही हैं और अन इस्लामिक लाइव्स लीड कर रही हैं। इस चीज ने पाकिस्तान के लोग, स्पेशली जो गुलाम जैसे सोचते थे, उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट करा था। लेकिन थैंकफुली इस बार इन सारी चीजों ने उसका कोर्ट का ट्रायल अफेक्ट नहीं करा। जब एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू हुआ तो उसने क्लेम करा कि उसने जो कुछ भी किया था वो एक्ट ऑफ जिहाद था, यानी उसके रिलीजियस ड्यूटी थी ये, एंड ही वाज प्राउड ऑफ इट। पर गुलाम के लिए इस बार कोई भी एस्केप पॉसिबल नहीं था, क्योंकि न्यूज़ इंटरनेशनली भी थोड़ी बहुत कवर हो रही थी और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग उसके एक्ट को कंडेम कर रहे थे, जो वहाँ पे उस टाइम के प्रेसिडेंट परवेज मुसफ़र और प्राइम मिनिस्टर शौकत अली थे। उन दोनों ने भी कोर्ट से प्लेज करा कि सरवार को मौत की सजा दी जाए, विच वॉज अ गुड टेक। इस पूरे एक्ट के पीछे कुछ लोग का ये मानना भी था कि गुलाम जैसा एक आम आदमी ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ अकेले करना उसकी बस की बात भी नहीं है, एंड दे सस्पेक्टेड कि उसके पीछे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस कभी भी ये लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पाई और इसीलिए इस थ्योरी को यहीं पे छोड़ दिया गया था। कोर्ट में गुलाम ने नॉट गिल्टी प्लीड करा। दिस जस्ट शोज हाउ डिल्यूजनल ही वॉज कि इतना बड़ा चीज करने के बाद भी ही थॉट कि उसने कुछ गलती नहीं करी है। पर इस प्लीड का कोई भी उसे फायदा नहीं होने वाला था। पूरे 4 साल ये केस चलने के बाद फाइनली ऑन 21st मार्च 2011 कोर्ट ने गुलाम को कन्विक्ट करा और 2 लाख रुपए फाइन के साथ साथ मौत की सजा भी सुनाई। लेकिन जेल में रहते रहते गुलाम ने टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी डेवलप कर ली थी, जो टाइम के साथ साथ बुरी होती गई और इवेंचुअली ऑन 27th जनवरी 2012 गुलाम की एग्जीक्यूशन से पहले ही जेल में मौत हो गई थी। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड, अ स्लो एंड आइसोलेटेड डेथ। गुलाम सरवा का केस हम सभी के लिए एक आई ओपनिंग केस होना चाहिए कि इवन इफ यू डोंट
अग्री विद समबडी दैट डज नॉट मीन कि तुम लोग उसे मार ही दोगे। एंड आई होप कि इस केस से लोगों को ये भी सीख मिले कि जो लोग थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं, पीपल हु आर ट्राइंग टू स्प्रेड हेट इन आर कंट्री, यू नो तुमने बहुत बारी सुना होगा हिंदू मुस्लिम वाली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड दीज काइंड पीपल दे यूज दीज काइंड केसेस एंड दे गिव एग्जाम्पल ऑफ यू नो गुलाम कि ऐसे होते हैं ये लोग, बट दोज पीपल दे शुड ऑल्सो नो दिस थिंग कि हमारे नेबरिंग कंट्री में हुम्मा उस्मान जैसे लोग भी थे, स्पेशली हुम्मा जैसी लेडीज भी थी जो कि इतना पॉजिटिवली सोचती थी, जो कि बस अपने देश को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी। सो नॉट एवरीथिंग इन एवरी कंट्री इज नेगेटिव, हमारे देश में भी हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं है, वी जस्ट हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। पर इसी के साथ मौलवी या गुलाम सरवर का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को सारे के सारे एपिसोड्स ऑडियो फॉर्म में सुनने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्रीज ऑडियो फॉर्म में सुननी है, देन गो फॉलो माय पेज ऑन स्पॉटिफाई, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो जस्ट फॉलो दैट पेज ओनली, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे खुल गए हैं। बट या विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।